हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर के साइट है, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न रेलवे, इसमें लगभग 6 डिवीजन आते हैं। इसमें से 7 डिवीजन में आईटीआई के पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट हुई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो में हम देखें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपको फीचर्स मिलना है, बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो में देखें। तो आईटीआई अगर कर ली है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो डेट है 25 मई से स्टार्ट होगा, 24 जून तक फॉर्म अप्लाई होगी। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर फॉर्म अप्लाई होगा। 25 मई से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, तो इसमें हम वीडियो डाल देंगे। और आप 25 मई के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि ओपन मार्केट में होता है रेलवे की, जो कोई भी ओपन मार्केट की वैकेंसी आउट होगी लेवल वन की, डायरेक्ट वैकेंसी होती है। ये तो अप्रेंटिस है आपका, डायरेक्ट वैकेंसी आउट होती है तो, और आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होता है नैक का, तो आपको 20% वैकेंसी आपको आपको मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा 20% तक का। और ग्रुप डी की वैकेंसी जो होगी उसमें आपको 20% का प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, 20% का। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आईटीआई के कैंडिडेट के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। ये सब 3591 स्लॉट की वैकेंसी आउट हुई है, तो इसको याद रखिए, नोटिफिकेशन नंबर याद रखिएगा। जब भी नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन नंबर याद रखिएगा, जब कोई डीवी होगा या रिजल्ट आएगा या जो भी होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इसमें इसी से आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत से आते रहते हैं अप्रेंटिस, हर एक महीने में किसी ना किसी डिवीजन का आता है, तो ये नोटिफिकेशन नंबर याद रहे तो आपको जानकारी मिलेगा। और आपको बता दें, ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये थोड़ा बहुत ही ध्यान से डालेगा। ये अगर गलती करते तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग लेटर ये सब नहीं पहुंच पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही इंटर कीजिएगा, ताकि अगर कुछ और गलती होता तो शायद लास्ट में आप जाके डीबी में जाके सुधरवा सकते हैं या ज्वाइनिंग में। लेकिन ईमेल आईडी नहीं तो आपके पास कुछ आएगा ही नहीं, सारा चीज मेल पर आता है, तो मेल सही होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो एज की बात करें, एज जो होना चाहिए 15 साल से लेके 24 साल का एज होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है, और ओबीसी होते हैं 3 साल का, यानी कि एससी एसटी हैं तो 29 साल के हैं तब पर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और ओबीसी हैं तो ओबीसी में 27 साल के हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी अगर है, आप किसी प्रकार डिसेबिलिटी है तो 10 साल की छूट है, यानी 34 साल के रहेंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, एक सर्विस मैन है तब पर भी आपको छूट मिल जाती है इसमें। और आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको आईटीआई पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से अगर कम होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप अगर उसके साथ साथ आपका टेक्निकल में आईटीआई पास होना चाहिए, एनसीबीटी या एससीबीटी कोई भी जरूरी नहीं है कि एससीबीटी या एनसीबीटी, दोनों में से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर फीटर के लिए अप्लाई करते तो फीटर ट्रेड होना चाहिए आपका, वेल्डर से अप्लाई करें तो वेल्डर ट्रेड आपका होना चाहिए आईटीआई में, टर्नर से अप्लाई करें तो टर्नर, मतलब आपका ट्रेड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पाइप फीटर के लिए प्लम्बर होना चाहिए, वायरमैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको अपना ट्रेड देखना है, जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड आपका होना चाहिए। ट्रेड वाइज स्लॉट है तो अपना ट्रेड वाइज ही स्लॉट अपना अप्लाई किया है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनेक्सर बी में दिया गया है आपको, ये नीचे आपको एनेक्सर बी मिलेगा, उसको देख कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो हम वैसे तो हम बता देंगे किस तरह से अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बिना अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के आपको फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सीट के बारे में देख लेते हैं। स्लॉट, इसे स्लॉट जो है, देखिए फीटर में ये देखिए किस में है, फीटर मुंबई डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फीटर का 153 स्लॉट है टोटल, उसमें जिसमें जनरल का 63 है, एससी का 23 है, और एसटी का 11 है, ओबीसी का 41 है, यहाँ ओबीसी है, ये ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस है तो 15 सीटें हैं, टोटल 153 है।
ठीक है। इस तरह से अपना टोटल सीटें देखना है, टोटल सीट और पूरा ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 213 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह से आपने चेकआउट कर लिया। डीजल मैकेनिक का 25 सीट है टोटल, जिससे 9 जनरल का है, 5 एससी का है, एसटी का है, 2, इस तरह से आपको टोटल सीटें मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखें, मुंबई डिवीजन में तो फीटर का जो 15 और इलेक्ट्रिशियन का 167 है, ये देखिए टोटल। यहाँ पे आपको सब अलग अलग कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सब मिल जाए आपको। टोटल 304 सीटें हैं, तो अपना देख के अप्लाई कीजिएगा। ये तो अपना स्लॉट देख लिया, किस स्लॉट में आपको ज्यादा सीटें हैं, किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको जिसमें करना चाहे उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक ही में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बड़ोदरा का है, इसमें बड़ोदरा डिवीजन का यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद बड़ोदरा डिवीजन का है, इंजीनियर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट है, ब्रिज मैकेनिक है, सबका अलग अलग है। तो आप जिसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहे उसमें कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना अप्लाई कर लीजिएगा। अहमदाबाद डिवीजन का देख लीजिए स्लॉट, किस स्लॉट में फिटर में देखे तो 97 स्लॉट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन का सीट ज्यादा होता है, 116 है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखिए फाइव फीटर का ज्यादा सीटें है, कारपेंटर के 40 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह से रतलाम डिवीजन है, रतलाम में भी आपको 90 फीटर में मिल जाएगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिशियन में 74 सीटें। इस तरह सभी सभी का मिल जाएगा आपको, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, सभी का मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा, ये अपना सारा स्लॉट अच्छे से देख लीजिए, किस स्लॉट स्लॉट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करके आपको समझा देंगे, ठीक है। अपना स्लॉट अच्छे से चेक कर लिए तब तक। और देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होगा, कोई किसी तरह का कोई भी ना एग्जाम होगा, ना ही कोई भाई भाव होगा, आपका सिर्फ आईटीआई और मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पे होगा, ठीक है। आपका एवरेज मार्क्स पर हो, मैट्रिक का और आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे। जैसे कि आपका मैट्रिक में, अगर मैट्रिक में 60% होता है, मैट्रिक में 60 है और आईटीआई में 60%, आईटीआई में 60% है, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। आईटीआई और मैट्रिक का मार्क्स जोड़ गया, 60 60 120 हो गया, 200 भाग 2 से भाग दे दिया जाएगा, ये तो 120 बटा में 60 हो जाएगा, यानी कि एवरेज जो आएगा आपका 60% आएगा, 60% का आपका मेरिट बनेगा। अगर किसी 60 70 का आता है तो 65 का एवरेज बनेगा। इस तरह से एवरेज मान कर आएगा, आईटीआई और मैट्रिक का मार्क्स बेसिस पे आएगा, कोई एग्जाम कोई टेस्ट नहीं होगा। पेमेंट की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन का पेमेंट जो होगा 100 रुपया होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन है तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है, लेकिन ओबीसी और जनरल है तो 100 रुपया देना है आपको। अगर ओबीसी और जनरल है तो 100 रुपया लगेगा, बाकी और दूसरे जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन है तो किसी भी तरह की कोई भी आपको फीस नहीं लगने वाली। मेडिकल फिटनेस अभी नहीं लगता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तब लगेगा, तो डीवी का जो आएगा डेट उसमें हम बता देंगे इसके बारे में। नहीं तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के अपना बनवा लीजिएगा। और ये वैसे अभी बनवाना नहीं होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको बनवाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो एक बार हम प्रोसेस बता दें, क्या इससे कैसे सिलेक्शन होता है आपका। तो देखिए सबसे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे ये 25 मई से स्टार्ट होगा, फॉर्म अप्लाई करेंगे कुछ महीने बाद, यानी 2 महीने या 3 महीने, अगर ये तो अभी तक कोविड-19 चल रहा है, अगर ये अगर नहीं रहेगा तो 2 महीने 3 महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जिनका मार्क्स अच्छा होगा और मार्क्स अच्छे के हिसाब से, जिसका जितना अच्छा मार्क्स आया होगा उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे डीवी कहते हैं, और डीबी कहते हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा आपका, जिसमें आपको बहुत से डॉक्यूमेंट लिए आते हैं, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा आपका, साथ ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जांच किए जाएंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको विदा कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के कुछ दिन के बाद, यानी कि 1 महीना या 2 महीना बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, कोई रिटन एग्जाम होता नहीं है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेरिट लिस्ट के पे बुला लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। इसलिए बस इसे 3 स्टेज होता है, पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, जो सिलेक्टेड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग छट जाते हैं, वैसे बहुत कम ही लोग छटते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट गड़बड़ होता है,
है, जिसे सही होता है सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका ज्वाइनिंग हो जाता है, फिर अगले साल इसी तरह से चलते रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और फॉर्म भरने का फीस जो है 100 रुपया है, एज जो आपको 15 से 24 है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फॉर्म भरने की वीडियो अगर आप 25 तारीख के बाद देख रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने की वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप पास आउट हैं आईटीआई तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।